सिलीगुड़ी में नामी कंपनियों के नाम पर नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल की बिक्री की जा रही थी। सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से बुधवार को एक गैर सरकारी संस्था ने शहर में छापामारी कर करीब 500 नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल बरामद किया है। बताया गया है कि गैर सरकारी संस्था को सूचना मिली थी कि सिलीगुड़ी में एक नामी संस्था के नाम से नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल की बिक्री की जा रही है। इसके बाद संस्था की तरफ से इसकी जांच शुरू की गई। जांच के बाद आज संस्था ने सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से विधान मार्केट से सटे एक स्पोर्ट्स दुकान पर छापा मारकर नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल बरामद किया। गैर सरकारी संस्था के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली थी सिलीगुड़ी में नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल की बिक्री हो रही है। कुछ व्यवसायी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में नकली सामान बेच रहे हैं। आज पुलिस की मदद से दो दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल बरामद किया गया है। हम नीविया और कॉस्को स्पोर्ट्स ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी सिलसिले में हमारी टीम्स ने इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि सिलीगुड़ी शहर में बहुत बड़े पैमाने पर नीविया और कॉस्को की डुप्लीकेट फुटबॉल्स और वॉलीबॉल्स सेल की जा रही हैं। और कल हम यहाँ पहुँचे और आज सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से और उनकी सपोर्ट से हमें रॉयल स्पोर्ट्स और गीतांजलि ट्रेडर्स, जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इन पर रेड करने में कामयाबी मिली और दोनों होलसेलर्स से नीविया और कॉस्को की डुप्लीकेट फुटबॉल्स और वॉलीबॉल्स भारी मात्रा में बरामद की गई। जो डुप्लीकेट में डील कर रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में, उनको हमारी टीम से एक मैसेज है, हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक नीविया और कॉस्को ब्रांड्स का डुप्लीकेट यहाँ बिकना बंद नहीं होता। हम डुप्लीकेट सप्लाई चेन को ट्रैक करते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, और उस सप्लाई चेन को ट्रैक करते हुए हमारी टीम्स अलग अलग जगह पूरे कंट्री के अंदर रेड करती हैं, जिसमें सिलीगुड़ी शहर भी हमारे रडार पर आया और आज हमें ये कामयाबी हासिल हुई। जितने भी ये काउंटरफीट सेल करने वाले, इनका सिर्फ एक ही वो होता है कि इनको सिर्फ अपने धंधे और प्रॉफिट से मतलब है। आम जनता को ये डुप्लीकेट बेच रहे हैं, दे हैव नो मोरल वैल्यूज, नो एथिक्स व्हाटसोएवर। फैक्ट्रीज पे भी हमारी रेड चलती रहती है लगातार, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। अब आगे जलंधर और मेरठ में भी कुछ रेड्स होंगी और हमें पता है कि यहाँ सप्लाई कहाँ से आ रही थी, जो आज रेड के दौरान हमें पता लगा। इन शॉपकीपर्स होलसेलर्स के अगेंस्ट FIR रजिस्टर होगी अंडर द कॉपीराइट एक्ट एंड 420 IPC।